हाफ टाइम के बाद मैच स्टार्ट हो चुका है। अजय ठाकुर जा रहे पहली रेड पर, इंडिया है 14 पॉइंट्स, ईरान 21 पॉइंट, अच्छी खासी लीड ले ली ईरान ने अगेंस्ट इंडिया। चार का डिफेंस है ईरान का। अजय ठाकुर ट्राई करते हुए कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर रेड मारते हुए और किक किया बीच में अजय ठाकुर ने, लेकिन डिफेंडर बहुत ही लंबा था तो ये एम्प्टी रेड हो गई अजय ठाकुर की। ईरान की तरफ से हादी ओस्ट्रोक जा रहे रेड पर, बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर ईरान के, बहुत अच्छे डिफेंडर भी है, कॉर्नर अच्छा लगाते प्लस बहुत अच्छी रेड भी करते। इंडिया पांच का डिफेंस, इंडिया पूरा ट्राई करेगी हादी को टैकल करने के लिए और हादी बहुत स्पीड से रेड करते हुए इस कॉर्नर से उस कॉर्नर, लेकिन अंदर ज्यादा नहीं जा रहे, डीप नहीं जा रहे, उनको पता है डिफेंस पीछे है, टैकल हो सकता है और एम्प्टी रेड करके हादी वापस। और इंडिया की तरफ से राकेश कुमार रेड पर है, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर में से एक, बहुत अच्छा डिफेंडर, बहुत अच्छा कॉर्नर लगाते, बहुत अच्छा कवर भी लगाते प्लस बहुत ही जबरदस्त रेड है राकेश कुमार। चार का डिफेंस ईरान का, तो देखते हैं राकेश कुमार क्या करते हैं इस रेड में। कॉर्नर पे एकदम डीप जाने का प्रयास किया है और हैंड टच करने का प्रयास, बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट राकेश की और ये जबरदस्त जंप राकेश कुमार की और दूसरे प्लेयर टच हुए शायद से, दो प्लेयर राकेश कुमार दो पॉइंट की मांग कर रहे, बता रहे उस प्लेयर का भी टच हुआ है, रेफरी उनको पीछे करते हुए और ये दो पॉइंट मिल जाने चाहिए क्योंकि राकेश कुमार बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहे, दूसरे प्लेयर का भी उनको टच हुआ है तो रेफरी आपस में बात करते हुए और दो पॉइंट दिए गए इंडिया को, बहुत ही बढ़िया है दो पॉइंट इंडिया के। और ईरान के रेडर देखते हादी ओस्ट्रोक गए, हादी देखते पॉइंट स्कोर करते क्या ईरान के लिए और किक करने का प्रयास किया था बहुत ही बढ़िया, अंदर डीप जाने का प्रयास और जबरदस्त ये एंकल होल्ड, उतने सामने सपोर्ट बहुत ही बढ़िया टैकल किया है, बहुत ही जबरदस्त टैकल, ये शायद से इंजरी हुई प्लेयर को, किसी प्लेयर को देखते हैं किसको लगा है क्या, नहीं नहीं किसी को लगा नहीं है, मुझे लगा इंजरी हुई क्या। और ये बढ़िया इंडिया को पॉइंट और ऑल आउट का खतरा ईरान पर, एक ही प्लेयर बचे ईरान के और अनुप कुमार गए थे और ईरान ऑल आउट 1+2 3 पॉइंट इंडिया को और इस ऑल आउट के साथ स्कोर चेंज होते हुए इंडिया 20 पॉइंट, ईरान 21 पॉइंट, 1 पॉइंट की लीड ईरान के पास। इंडिया ने बहुत ही अच्छा गेम का प्रदर्शन किया है और बहुत ही अच्छी लीड तोड़ते हुए इंडिया 1 पॉइंट की लीड बची है सिर्फ ईरान के पास। और ये जबरदस्त रनिंग ब्लॉक राकेश कुमार का बहुत ही बढ़िया, क्या भाग के आ गया और जबरदस्त ये ब्लॉक किया है, बहुत ही बढ़िया 1 पॉइंट इंडिया को। इंडिया बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंट लेवल इंडिया का हाई दिख रहा है, इंडिया का जो डिफेंडर है बहुत ही अच्छा टैकल करते हुए। और अनुप कुमार रेड पर जो पॉइंट स्कोर है वो इक्वल हुआ है, इंडिया 21 ईरान 21, मैच बहुत ही टफ, एशियन गेम की फाइनल मैच चालू है। अनुप कुमार रेड पर ईरान का 6 का डिफेंस, अनुप कुमार बोनस के लिए पहचाने जाते हैं, देखते बोनस कॉटियम करते हैं अनुप कुमार, बहुत ही स्पीड से बहुत ही क्विक बोनस करते और एंगल आउट करने का प्रयास किया था और अनुप कुमार को पता था टैकल करने को ट्राई करेंगे, अनुप कुमार 1 पॉइंट लेके चले गए, बहुत ही बढ़िया है पॉइंट। और इसके साथ इंडिया ने लीड ले ली है, इंडिया 22 ईरान 21 और राकेश कुमार रेड पर है इंडिया की तरफ से, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर में से एक राकेश कुमार, देखते राकेश कुमार अपनी टीम के लिए क्या करते। लास्ट जो उनकी रेड थी राकेश कुमार की 2 पॉइंट लेके आए थे और पूरा गेम चेंज कर दिया था राकेश कुमार ने, बहुत ही जबरदस्त रेडर, बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर राकेश कुमार, मूवमेंट बहुत ही क्विक करते फास्ट। और ये जबरदस्त थोड़ा बच गए, एकदम मिड लाइन के करीब आके उनको डैश कर दिया गया और राकेश कुमार आउट, बहुत ही बढ़िया। अगर अंदर आते राकेश कुमार तो ये 2 या 3 पॉइंट की रेड होती और ये पॉइंट वापस इक्वल, इंडिया 22 ईरान 22, बहुत ही जबरदस्त मैच, कुछ भी हो सकता है मैच में। ईरान की तरफ से हादी ओस्ट्रोक बोनस का टीम किया हादी ने और हाथ ऊपर करके ऐलान कर रहे कि बोनस मेरा हुआ है और ये बोनस मिल भी गया, बहुत ही जबरदस्त बोनस दिया है। देखते भी रेड पर कौन जा रहा है इंडिया की तरफ से, और अजय ठाकुर रेड पर जा रहे, अजय ठाकुर देखते इस रेड में पॉइंट स्कोर करते हैं क्या। 6 का डिफेंस ईरान का, अजय ने बोनस का अटेम्प्ट किया है बहुत ही बढ़िया, देखते बोनस मिलता है, रेफरी उनको बोनस देते हैं क्या, अजय ठाकुर शायद से वापस अटेम्प्ट करेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। और ये जबरदस्त कॉर्नर पर हैंड टच, बहुत ही बड़े हैंड टच और थाई पे हाथ मार के उन्होंने ऐलान कर दिया और ये पॉइंट बता रहे, लेकिन पॉइंट नहीं मिला, रेफरी उनकी बात से सहमत नहीं और एकदम स्पीड से रेड किया है, बहुत ही बढ़िया रेड और शायद से मंजीत चिल्लर को टच हुआ है, देखते हो पॉइंट मिलता है क्या उनको। और मंजीत चिल्लर ईमानदारी से पॉइंट देते हुए और 1 पॉइंट ईरान को, ईरान ने वापस लीड ले लिए 2 पॉइंट की, ईरान 24 इंडिया 22, मैच में कुछ भी हो सकता है। जसवीर सिंह गए रेड पर, देखते क्या करते जसवीर सिंह,
और ये थाई पकड़ने का प्रयास किया था और पीछे से प्लेयर आए थे, दो पॉइंट की रेड बहुत ही बड़े जसवीर की, बहुत ही स्पीड से मिडलाइन तरफ आया और दो पॉइंट, वापस मैच इक्वल हो गया, इंडिया 24 ईरान 24, मैच बहुत ही टफ चल रहा है, दोनों टीमें बहुत ही बढ़िया खेल रही है, देखते हैं कौन सी टीम लीड लेके ये एशियन गेम का फाइनल विन करती है। हादी ऑस्ट्रोक गए रेड पर, बहुत ही सूझबूझ के साथ हादी ऑस्ट्रोक रेड करते हुए देखते हुए कौन से डिफेंडर कहां पे खड़े हैं और बोनस का टीम ट्राई करते हुए, और ये जबरदस्त घिर गए बीच में, जबरदस्त टैकल राकेश कुमार का, बहुत ही बढ़िया, और उतने अच्छे सपोर्ट हादी को जगह पे टैकल कर दिया गया, और शायद से हादी को कुछ इंजरी हुई मुझे ऐसा लग रहा है, हादी मैट पे ही गिरे, ज्यादा सीरियस इंजरी ना हो लेट्स सी, और कुछ सीरियस इंजरी नहीं, हादी वापस चले गए। और मंजीत चिल्लर रेड पर है, इंडिया की जो टीम है उसमें ऑलराउंडर का भरमार है, बहुत सारे ऑलराउंडर इंडिया की टीम में, मंजीत चिल्लर भी लेफ्ट कवर लगाते और बहुत ही अच्छे रेडर भी है, बहुत ही स्पीड से इस कॉर्नर से उस कॉर्नर रेड करते हुए मंजीत चिल्लर, देखते क्या करते मंजीत चिल्लर, पॉइंट स्कोर करते हैं क्या, और ये सेफ रेड करके मंजीत चिल्लर वापस चले जाएंगे, ज्यादा रिस्क लेंगे नहीं मुझे ऐसा लग रहा है। इंडिया एक पॉइंट की लीड पे है, इंडिया 25 ईरान 24, ईरान के रेडर रेड पर बहुत ही स्पीड से कॉर्नर की तरफ टोटच का प्रयास करते हुए और बीच में एकदम स्पीड इंक्रीज करते हुए उनका रेड कर रहे हैं। ईरान के रेडर की खासियत है बीच में स्पीड बढ़ाते हैं, स्लो रेड की स्टार्ट करते हैं और बीच में और स्किल उनको डेवलप करना पड़ेगा ईरान के प्लेयर्स को। और अनुप कुमार रेड पे जाते हुए, चार का डिफेंस ईरान का, इंडिया के पास एक पॉइंट की लीड है, तो अनुप कुमार मुझे नहीं लगता ज्यादा रिस्क लेंगे, रिस्क ईरान को लेना पड़ेगा क्योंकि इंडिया एक पॉइंट से लीड में, चार का डिफेंस ईरान का, ईरान भी तैयार अनुप कुमार को टैकल करने के लिए, और अनुप कुमार बहुत ही सूझबूझ से रेड करते हुए दोनों कॉर्नर से ट्राई करते हैं, एकदम फास्ट मूवमेंट और टो टच का प्रयास बहुत ही बढ़िया, टो टच किया है और रेफरी टो टच देने पड़ेगा क्योंकि अनुप कुमार ने बहुत ही कॉन्फिडेंस से ये हाथ ऊपर उठाया और ये मिल भी जाया पॉइंट, बहुत ही बढ़िया पॉइंट। अनुप कुमार कभी ऐसा नॉर्मल ये नहीं करेंगे, टो टच हुआ है तो हुआ है। अनुप कुमार वापस रेड पर, तीन का डिफेंस ईरान का, देखते ईरान क्या करती है, अगर ईरान को वापस आना है मैच में तो अनुप कुमार को टैकल करना पड़ेगा। दो पॉइंट की लीड है इंडिया के पास, ईरान 24 ईरान इंडिया 26, मैच बहुत ही टफ चल रहा है, दोनों टीमें बहुत ही बढ़िया खेल रही है, तीन का डिफेंस अनुप कुमार बहुत ही अच्छी रेड करते हुए और इस कॉर्नर से उस कॉर्नर बहुत ही अच्छी मूवमेंट करते हुए, ईरान रिस्क लेगी ऐसा मुझे लगता है, लेकिन अनुप कुमार एम्प्टी रेड करके वापस चले गए और ईरान को ट्राई करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम ट्राई, तो ही लीड तोड़ के वो आगे जा सकते हैं, तो बहुत ही मुश्किलें बढ़ेंगी ईरान के लिए। इंडिया एकदम फाइनल के करीब, बहुत ही नजदीक, और ये जबरदस्त टैकल, बहुत ही बढ़िया टैकल, जैसे ही अनुप कुमार ने बहुत ही बढ़िया उनको टैकल किया और पीछे से बहुत ही बढ़िया सपोर्ट आया और कॉम्बिनेशन टैकल बोल सकते हैं इंडिया टीम का, ये बहुत ही जबरदस्त टैकल ईरान के रेडर को, और यहाँ पे भी कुछ इंजरी हुई ऐसा लग रहा है मुझे, किसी को लग गया है शायद से, देखते वहां पे सब जमा है प्लेयर तो उतना पता नहीं चल रहा है किसको लगा है, लेकिन किसी को इंजरी हुई शायद से, ईरान के प्लेयर को और इंडिया के किसी प्लेयर को लगा है क्या, लेट्स सी, फिजियो वहां पे चेक करते हुए किसी प्लेयर को लगा है क्या। और अनुप कुमार वापस रेड पर, दो का डिफेंस है, इंडिया तीन पॉइंट की लीड लेके आगे इस मैच में, दो का डिफेंस ईरान का, अनुप कुमार ट्राई करते हुए वापस, ऑल आउट का खतरा ईरान टीम पर और ईरान के दो ही प्लेयर बचे, हैंड टच का प्रयास करेंगे अनुप कुमार, देखते हैं मूवमेंट, बहुत ही फास्ट एकदम कॉर्नर में जाके प्रयास कर रहे हैं और ये एंकल दे दिया अनुप कुमार ने, फंस गया अनुप कुमार, हादी ऑस्ट्रोक ने बहुत ही बढ़िया टैकल कर दिया है, मीरा शेख है वहां पर, हादी ऑस्ट्रोक ने, मीरा शेख ने बहुत ही बढ़िया टैकल किया अनुप कुमार को। इंडिया 27 ईरान 25, ईरान के रेडर रेड पर, देखते क्या करते अपनी टीम के लिए, पॉइंट स्कोर करते हैं क्या, मैच थोड़े ही टाइम बचा मैच खत्म होने के लिए, ईरान को मैक्सिमम ट्राई करना पड़ेगा नहीं तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी ईरान के लिए। और हैंड टच का दावा कर रहे, नहीं नहीं हैंड टच नहीं, मतलब पॉइंट नहीं दिया है, पॉइंट का दावा किया था ईरान के रेडर ने और जसवीर सिंह पीछे है, रेफरी कुछ नाखुश है और एक ग्रीन कार्ड दिया गया इंडिया टीम को और जसवीर सिंह रेड पर जा रहे, तीन का डिफेंस ईरान का, जसवीर सिंह लास्ट रेड जो उनकी थी उसमें दो पॉइंट की रेड की थी, बहुत ही बढ़िया गेम चेंजिंग रेड की थी उन्होंने, इंडिया के बहुत ही जबरदस्त रेडर जसवीर सिंह, देखते जसवीर सिंह क्या करते हैं, पॉइंट स्कोर करते हैं कि अपने टीम के लिए,
इस कॉर्नर से उस कॉर्नर ट्राई करने का प्रयास कर रहे हैं, मूवमेंट बीच में ही फास्ट करते हुए जसवीर सिंह, अगर इस टाइम उनको और शायद से पीछे टच हुआ है प्लेयर का, नहीं नहीं टी पीछे टच नहीं हुआ है, रेफरी वहां पे खड़े, जसवीर सिंह को ऐसा लगा कि पीछे जो अंतिम रेशा है वहां पे टच हुआ है प्लेयर का ईरान के, लेकिन नहीं टच हुआ है। और ईरान के रेडर रेड पर मीरा शेख, देखते हैं मीरा शेख अपनी टीम के लिए क्या करते हैं, पॉइंट स्कोर करते हैं क्या, और अंदर जाके हैंड टच का दावा किया है, हैंड टच का दावा किया है, देखते पॉइंट मिलता है। राकेश कुमार नहीं बोल रहे, ये गेम पूरा ईमानदारी से होना चाहिए, ईरान के प्लेयर थोड़ा झूठ बोलते हैं। और ये जबरदस्त अटेम्प्ट, जैसे ही किक करने का प्रयास किया अनुप कुमार ने बहुत ही बड़े थाई होल्ड किया और जबरदस्त सपोर्ट भी आया उतना, और ये रेफरी के विसल के साथ मैच खत्म, इंडिया ने मैच विन कर लिया, ये चैंपियनशिप विन कर लिया है, एशियन गेम विनर इंडिया, बहुत ही बढ़िया जबरदस्त मैच।